ass like. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह अच्छे ही होंगे। गाइस, मेरा नाम है सनीत आचपरिया और स्वागत है आप सभी का डायमंड किंग यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो आइए सबसे पहले कुछ मेरे भाई लोगों को देखिए शॉर्ट आउट। तो पहला शॉर्ट आउट है भैया मोइन को, दूसरा शॉर्ट आउट है अब्दुल्ला को। अगर आप भी ऐसे शॉर्ट आउट चाहते हैं तो अच्छे से कमेंट करो और एक लाइक कर दो वीडियो पर, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो बात करेंगे विटा 3 के एमुलेटर की और स्काईलाइन एज 14 की एंड डायमंड स्विच एमुलेटर की। काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि कोई अभी तक इंफॉर्मेशन निकल के आई, कोई अपडेट निकल के आया कि नहीं डायमंड स्विच का। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डायमंड स्विच एमुलेटर की। तो काफ़ी दिनों से जो है इसकी कोई इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई और कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि इस एमुलेटर का क्या हुआ। तो एक चाइनीज एमुलेटर है गाइस, इसका कोई अता पता नहीं है। हाल ही में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है रिलीज डेट को लेकर, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस इंफॉर्मेशन के अलावा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन iOS वालों के लिए। तो काफ़ी लोगों ने डायमंड कंपनी को मैसेज किया था कि ये जो डायमंड स्विच एमुलेटर, डायमंड PS3 एमुलेटर और डायमंड Xbox एमुलेटर क्या iOS में आएंगे। तो यहाँ पर डायमंड कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये एमुलेटर iOS के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। अभी एंड्रॉयड के लिए ये एमुलेटर नहीं आ रहे, तो iOS के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करें स्काईलाइन एज 14 की, जो कि काफ़ी कमाल का है गाइस, न्यू रिलीज हुआ है एंड जो है इसमें काफ़ी सारे गेम प्लेबल हो चुके हैं। तो इस एमुलेटर में सुपर मारियो 3D वर्ल्ड जैसे गेम आराम से चल जा रहे हैं। आप देख सकते हो 45 या 46 फ्रेम रेट पर आराम से गेम चल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और सोनिक फोर्स जैसे गेम आराम से चल जा रहे, ठीक है, यहाँ पर 30 FPS तक जो है आप यहाँ पर सोनिक फोर्स गेम को प्ले कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़े बहुत आपको ग्राफिक ग्लिच देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले अपडेट्स में जो है ये जो भी ग्राफिक ग्लिच आ रहे हैं वो सारे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्काईलाइन एज चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को चेकआउट कर लो। तो चलिए बात करते हैं विटा 3 के एमुलेटर की। तो यहाँ पर डेवलपर ने एक्सपर्ट इंजेक्शन जैसे गेम जो है ट्राई किए हैं। तो आप देख सकते हो एक गेम लोप का गेम है, एक रेसिंग गेम है जो कि ट्राई किया है एंड टेस्ट किया है इस एमुलेटर में। तो कितने फ्रेम रेट पर ये गेम चलता है चलिए देखते हैं। तो ये गेम 40 या 50 फ्रेम रेट पर चल जा रहा है, ठीक है, एक रेसिंग गेम है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर में, ठीक है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर फ्रेम रेट इंक्रीज किए हैं एंड काफ़ी सारे गेम आपने देखा होगा, अनचार्टेड, मॉडल कॉम्बैक्ट और भी काफ़ी सारे गेम जो है टेस्ट किए हैं मैकडू डेवलपर ने। तो कुछ दिन रुक जाओ, आपको ये एमुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय रुक जाओ, मैं आपके लिए जैसे ही आता है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।